मगर जहाँ पे मेरी बात होती है ना, मैं अपने के लिए लाई होती हूँ, उसमें से आधा ये खा जाता है, उस टाइम मैं देखे रह जाती हूँ, हाँ ये तो मीठा ही नहीं खाते हैं, और बोलते हैं कि मेरे को तेरे उसमें से शेयरिंग करने में मजा आता है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और पहला और मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज्यादा प्यार। तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग इनिशा खुलिया व्लॉग्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गए। तो मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग में मैंने, जैसे कि आप देख रहे हो, गाड़ी से स्टार्ट कर रखी है, वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं डीके मायके। तो एक एक जगह हम लोग सब जगह भेंट करने चले जा रहे हैं। तो आज पहनिया की बारी है, तो पहनिया जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे हैं। हेलो गाइस। तो अरे देख रहे हो भाई साहब, हम तो कुछ दिख ही नहीं रहे इनके सामने, ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं दिख रहे हो। तो अभी ये गाड़ी चला रहे हैं, इनको ज्यादा डिस्टर्ब मैं नहीं कर सकती, तो ये तो ज्यादा नहीं बोल सकते। तो अब हम लोग अभी फिलहाल अभी घर से निकल रखे हैं, ये अभी निकल रखे हैं झनकट को। तो आज है का टूर, तो फिर चलिए देखते हैं वहाँ क्या। पहले हमें झनकट से थोड़ा सामान वामान लेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सीधे पहनिया जाते हैं। पहनिया जाके मैं सब लोग को दिखाऊंगी, आप लोग को पहनिया, मम्मी जी लोग के वहाँ, उन लोग से भेंट घाट करके आएंगे। तो चलिए फिर सीधे पहनिया जाके मिलती हूँ मैं आप लोग। हम लोग बस देखिए वहाँ पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी दूरी में। और ये जो आइसक्रीम दिख रही है ना, ये मैं लाई अपने के लिए थी और सब इनने खाई। मैंने पता इनको मैं रील्स देख रही थी, मैं वीडियो सेव कर रही थी शॉर्ट्स बनाने के लिए, तो मैंने इनको पकड़ने के लिए थी और चूस भी नहीं रहा, फटाफट कटाक हो जाएगा, मेरी दोनों हाथ ही चला नहीं, इनने पता एक हाथ से खाया मेरी पूरी, और इतना सा मुझे बचाया, इसमें से भी बोले की चॉकलेट मार के। अब लोग कमेंट करके बताएंगे मैं खा सकता हूं। गाइस सच्ची, आप लोग को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बताओ, एक आइसक्रीम के लिए मैं झूठ बोल सकती हूँ कि आप लोग बताना। इनने बताया मेरी पूरी आइसक्रीम खा दी 20 रुपए वाली। हाथ मेरे दोनों गाड़ी चलाने में एंगेज है, नहीं है ना? ये जो गियर चेंज करता है ना, सिर्फ कभी कभी गियर चेंज करते हैं ना, अलग नहीं, ये मेरी चीजें बहुत खाते है, चॉकलेट और आइसक्रीम ये मेरा खाते है, वैसे लाओ तो वैसे नहीं खाते है। मेरी बात होती है ना, मैं अपने के लिए लाई होती हूँ, उसमें से आधा ये खा जाते हैं, उस टाइम मैं देखे रह जाती हूँ, हाँ ये तो मीठा ही नहीं खाते हैं, और बोलते हैं कि मेरे को तेरे उसमें से शेयरिंग करने में मजा आता है, तो ये पूरा खा देते हैं मेरा ये। अब तो दीखा मायका भी आने वाला है, मेरी यही भी खत्म नहीं हुई है। तो उस हम घर के बाहर पहुंचेंगे, मैं उसी टाइम दिखाऊंगी, यहाँ पे रोड भी बन रही है दी लोग की, अब तो पहुंच ही गए हैं, ये दी के घर के साइड से ये रोड बन रही है, बहुत खड़म बड़म भी हो रहा है, जैसे जैसे वहीं पर घर दिखाती हूँ मैं आप लोग को। हम दी के घर पहुँच गए हैं, तो ये है, हाँ इनफ है, तो ये है ठीक है। तो वो पापा जी भी आ गए, रवि भी घूम रहे थे, थोड़ा सा सीधे कर लो। तो ये है दी का घर, पापा जी आ गए, तो चलिए आप सीधे, पापा जी बता रहे हैं इनको कैसे लगा लो आप। रवि वहां से खिसक गया, तो चलिए हम लोग यहीं पे, हमें सीधे अंदर वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, तो ठंडा हमने पी दिया, ये नहीं दिखाया, ये क्या दिखाऊं है ना, तो ठंडा पी दिया हम लोग ने, अभी तक थोड़ा पापा जी के साथ बैठे थे, पापा जी अभी मम्मी जी किचन में अभी तैयारी चल रही है, खाना पीने का देख रहे हैं। तो आज है, देखो क्या है खाने में, है ना, हमने भी नहीं देखा है क्या, क्योंकि खाना खाने का टाइम तो हो ही गया है। पापा जी भी आ गए हैं, हमारे पापा जी आ गए, वो कौन है, हेमा मालिनी के पति का नाम, पहले मम्मी जी हुई हेमा मालिनी, उनके वो हुए मिस्टर पापा जी। तो पापा जी आ गए हैं, थोड़ा पापा जी के साथ गप्पे मारते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारी गरम गरम पकौड़ी, हाँ गरम 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 पकौड़ी और इमली वाली चटनी बना के ला गए हैं मम्मी जी। तो अब ये बताएंगे कि कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इधर देख के बताओ, गच्चा हाँ, पता नहीं मुझे नहीं पता, पापा जी आप भी खाओ। पापा जी शर्मा रहे हैं, नहीं पापा जी शर्मा भी रहे, आप क्यों नहीं खा रहे पकौड़ी। ये आप जब शर्मा रहे वाले तब उठाया,
तो फिर अब जरा मैं भी पकौड़ी खाती हूँ, मेरी फेवरेट इमली की चटनी बनी और गरम गरम पकौड़ी, तो जरा हम गरम गरम पकौड़ी और इमली की चटनी का लेते हैं मज़ा। मेरे तो मुझे अभी से पानी आ रहा है इमली की चटनी मुँह से बोलने में ही। अभी तो पकौड़ी खाई थी, अब मम्मी जी लेकर आ गए सूखा चिकन, मेरे को तो खुशबू से ही आहा ऐसा हो रहा है। तो खाना ही खाने में हम लोग, क्योंकि खाना खाने गए फिर बैठेंगे। अभी पकौड़ी खाई थी, अब सूखा चिकन लेकर आ गए, ये बैठने का इनको टाइम नहीं मिला इनको खाना ही लाने में। तो अब सूखा चिकन खा रहे हैं, मेरे को तो देख कर ही मुँह से पानी आ रहा है। तो गाइस चलिए थोड़ा सूखा चिकन खाए, किसी चिकन को कभी ना नहीं बोलते हैं, खा लेना चाहिए सामने आता है, तो वही कर रहे हैं हम लोग भी। तो ज़रा सूखा चिकन का मज़ा लेते हैं हम लोग। कैसे खाऊँ मैं, वीडियो तो बना नहीं सकती क्योंकि चिकन है। तो चलिए थोड़ी देर बाद बनाती हूँ मैं वीडियो। ओके, तब तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो पसंद आ रही है तो नीचे जाओ और सब्सक्राइब कर दो, बैठे मत रहो। मैं भी नहीं बैठी हूँ, मैं भी खाने का काम कर रही हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करने का काम कर। यहाँ पे अभी खाने पीने की हमारी तैयारी चल ही रही थी, सूखा खाया था, तो यहाँ अचानक से हो गई ज़बरदस्त बारिश, तो कुछ इस तरीके का मौसम हो गया है। 5 मिनट हो गई है बारिश हुए। तो यहाँ बढ़िया मौसम हो गया, हवा भी चल रही है, ठंडा ठंडा हो गया, बगल में नदी भी है तो उससे यहाँ ठंडा ही होता, मगर अब बारिश भी हो गई है तो बढ़िया हो गया मौसम, है ना। इस कमरे में तो जो इस कमरे में बैठे हैं तीनों के, यहाँ पे ये खिड़की है तो इस वजह से यहाँ पे मतलब उतना हो भी नहीं रहा है गर्म, यहाँ पे तो बिना पंखे के भी आराम से सोया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी हो रही है बारिश, फोकस बनेगा, ये धान भी इतने बढ़िया हो गए हैं इधर। तो बस अब खाना पीना हम लोग इसी कमरे में कर रहे हैं, वहाँ क्योंकि यहाँ पर ठंडा हो रहा है, यहीं पर लगा रहे हैं खाना। चलिए अब खाना पीना खाते हैं, हम जाने लग गए हैं। तो हम लोग जाने लग गए, पिठाईठा लगा दिया है, साथ में हमारे रवि चल रहा है बहन जी की याद में, तो रवि भी आ रहा है, अभी तो फोन में बात कर रहा है। तो ये भी जाने लग गए हैं, गाड़ी खोल दी है इनने, चलें कि घूमने चलें, ये बोल रहे हैं कहीं घूमने नहीं, सीधे घर चल, मेरे को नहीं घुमा रहे हैं ये। मैंने इनसे बोला भी, जब बारिश से पूरा यहाँ रोड बन गई, कीचड़ ही कीचड़ हो गया, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है जाने में। ओक्स, तो बैठ गए हैं हम लोग यहाँ पे गाड़ी में, तो चलिए चलते हैं। जब रवि भी आ रहा है, रवि लोग आ रहे हो, रवि भी आ रहा है, आज बर्थडे के टाइम पे रवि नहीं आ पाया था, तो अभी आ रहा है रवि साथ में अभी मौके से। चलिए चलते हैं, आप सीधे घर में मिलते हैं, जानकर से थोड़ा सामान भी लेना है। यहाँ पे शाम हो चुकी है और यहाँ पे अभी दोनों ब्रदर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ब्रदर चुस्कियाँ लेते हुए आनंद चाय का, आज जिम नहीं था ना, संडे आज 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 मन नहीं लग रहा होगा, आज बिल्कुल डल डल से लग रहे हैं, ये मेरे को बहुत ज्यादा ओवर लग रहा है, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। वो नीरज ने नहीं सोने दिया आज, पता नहीं जिम नहीं सोने दिया, जिम नहीं सोने दे रही है बोला। तो अच्छा, क्या वो गाना नहीं है कॉल, पता नहीं ये कौन सा नशा। उसके बाद फिर आया भी था, हम उसके बाद बोलते हैं कि हम जिम का नशा, ओ पता चला है ओ जिम का नशा करता है ऐसा। तो गाइस, किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपके जेठ जी क्या करते हैं, तो जैसे इनने बिल्कुल एक्सप्लेन किया था, तो आप दादा बताएंगे, स्कूलिंग से ही बता दो दादा आप। हमारे सीनियर से, मेरी बीवी की भी हुई है और निशा की भी हो रखा है, हमारा सारा परिवार ही शिक्षा भारती से स्कूलिंग है। उसके बाद हम अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए गए दिल्ली से, हमने ग्रेजुएशन करी कंप्यूटर साइंस में, दोनों भाइयों ने सेम फील्ड में करी। उसके बाद हमने मास्टर्स करी है, मैंने यूके से करी है मास्टर्स, और भाई के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है आपको, बाकी उसके बाद मास्टर्स के बाद मैंने PhD करी है AI में, उसके बाद अभी मैं प्रोफेसर में प्रोफेसर
प्रोफेसर की पोजीशन में हूँ, इससे ऊपर कोई डिग्री नहीं होती तो वरना उससे ऊपर भी जाते थे था। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड से हूँ, तो अभी वहीं चल रहा था, लेट्स सी और आगे कोई और यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। हाँ तो ये है दादा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया दादा ने, कैसे स्कूलिंग से लेके पीएचडी तक का ना प्रोफेसर तक का सफर। यहाँ पे मैंने वीडियो करी है थोड़ा लेट में, तो हमारा डिनर बन चुका है, डिनर हमने कर दिया तो मम्मी जी कर रहे हैं। तो आज डिनर में हमने बनाया था रोटी, लौकी की सब्जी और सोयाबीन चाप, तो मम्मी जी अभी खा रहे हैं सोयाबीन चाप। तो ऐसे बनाए हैं, मम्मी जी बताएंगे कैसे हो रहे हैं? बढ़िया गजब हो रहे हैं बोला तो आप बोल के हाथ भी देने वाले हुए हम मम्मी जी ऐसे तो गाइस सब्जी तो मम्मी जी ने और दादा ने खाई और रवि ने और क्या कहते हैं और हम सब लोग ने तो सोयाबीन चाप के साथ खाई रोटी, तो बहुत ज़्यादा यम्मी हो रहा था। तो चलिए हम लोग बाकी किचन का काम फिनिश कर लेते हैं, एंडिंग में रूम में करूँगी इनके साथ वीडियो की, आज की एंडिंग उसी टाइम करूँगी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने रूम में, तो फाइनली अब वीडियो एडिट करके सोना है। तो मैंने आप लोग से बोला था कि हम दोनों साथ में ब्लॉग एंड करेंगे, मगर ये दूसरे रूम में गए, थोड़ा इनका काम था तो ये लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करा। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मैं सीढ़ी से दौड़ गई तो हाँफ रही हूँ। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई है आज की तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस मुझे ढेर सारा सपोर्ट कर सके मेरी वीडियोज़ को और मुझे। तो मिलते रहूँगी नई नई वीडियोज़ के साथ, मेरी वीडियोज़ का वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।